75वें गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के दशहरा मैदान में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस का संदेश दिया और परेड की सलामी ली। वहीं श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया है। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर समेत अन्य शहरों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सफाई मित्रों की तारीफ की। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की जेल में बंद 161 कैदियों को रिहा करने की भी घोषणा की है। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार श्री अन्न उत्पादन में क्रांति लाने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी और 1000 रुपये प्रति क्विंटल की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं अयोध्या का जिक्र करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से रामराज्य की संकल्पना जीवंत हो गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं यहां झंडा वंदन कर रहा हूं। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।